हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। रात को 12:35 पे मेरे दोस्त ने मैसेज किया कि यार लेक्चर का मज़ा आ गया, तो उसी के रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है लीनियर कंग्रुएंस। उस लेक्चर में हमने देखा था लीनियर डाइफाइनटाइन इक्वेशन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कंग्रुएंस। लीनियर कंग्रुएंस को पढ़ने से पहले आपको लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। सही है, तो लीनियर डाइफेंटाइन वही एक लेक्चर था जिसकी मेरे दोस्त ने तारीफ की थी। तो आपको थोड़ा सा फिर भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर ए और बी की जीसीडी जो है, ए और बी की जीसीडी जिसे हम डी का नाम देते हैं, अगर वो सी को डिवाइड करे, उस वक़्त हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक लीनियर डाइफाइनटाइन इक्वेशन है। और यहाँ पे ए और बी जो है, ए एंड बी बोथ आर नॉट ज़ीरो। एक ही वक़्त में ए और बी जो है वो दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, ये सारी रीजंस आपको बताई हुई थी। ए और बी दोनों ज़ीरो हो गए तो उस वक़्त एक्स और वाई की वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते। सही है, इस वजह से तो इसको हम लीनियर डाइफाइनटाइन इक्वेशन कहते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मैं घुमा फिरा के लिखूंगा तो उसी से हमारे पास लीनियर कंग्रुएंस बन जाएगी। देखते हैं, पहले आप जान लें कि ए एक्स इज कंग्रुएंट टू b with modulo m, इसको हम लीनियर कंग्रुएंस कहते हैं। लीनियर इस वजह से क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर। और कंग्रुएंस इस कंग्रुएंस के सिंबल की वजह से, ये हमारे पास लीनियर कंग्रुएंस है। ये लीनियर कंग्रुएंस है तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये a जो साथ लिखा है ये हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। छोटी क्लासेस में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कहा जाता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और साथ इम्पोर्टेंट कंडीशन होती थी कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ए ज़ीरो हो गया तो ये सेकेंड डिग्री हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ये सारी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बचेगी। इसी तरह अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर में एक्स के साथ वाला जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो बाकी तो कॉन्स्टेंट बचेगा, लीनियर रहेगी नहीं। इसी वजह से यहाँ पे भी कह दिया गया कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक्स ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा मकसद है एक्स को फाइंड करना। अगर a ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो को x से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ जाएगा, x ख़त्म हो गया, तो x की वैल्यू ही जब नहीं निकलेगी तो हम इसको फिर लीनियर कैसे कहेंगे। इस वजह से हमारे पास a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हमें पता चल गया कि a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a इज नॉट कंग्रुएंट टू ज़ीरो मॉड्यूलो m। ए जो है वो ज़ीरो के कंग्रुएंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, या ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाएं आंसर ज़ीरो आए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं, 25x इज कंग्रुएंट टू 2 विद मॉड्यूलो 5। फ़र्ज़ किया कि मैंने ये चीज़ लिख दी, अब मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं, ठीक है, मैं कहता हूँ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करें। मैं x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता। क्यों नहीं फाइंड कर सकता, क्योंकि जब इसको 25 को मैं अंदर रख के इस 5 पर डिवाइड करूंगा तो 5 × 5 = 25, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि इस 25 की जगह मैं 0 भी लिख दूंगा। तो आप देखें कि मैंने कहा था कि a की जगह 0 नहीं आ सकता, तो a की जगह 0 आ गया, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास 0 हो गई, तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि a की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि जिसको अंदर रख के हम m पे डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। इसको अंदर रख के रिमाइंडर 0 आता था,
इसको अंदर रख के इस पे डिवाइड किया, रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब 25 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसी तरह ए की वो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए कि जिसको अंदर रख के एम पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आए। ये इतनी कंडीशन का आपको पता चल गया ना। अब देखिएगा, ये हमारे पास लीनियर, अब नेक्स्ट पता नहीं इसके आगे क्या बताना था, एक बात की इतनी एक्सप्लेनेशन हो जाती है आगे पता ही नहीं चलता क्या बताने वाला था। ये हमारे पास लीनियर कंग्रुएंस है और साथ कंडीशन लग गई कि ए जो है वो जीरो के कंग्रुएंट नहीं होगा विद मॉड्यूलो एम के। अब देखिएगा, अब इसको लीनियर कंग्रुएंस कहते हैं, इसको हम लीनियर डिफाइंड इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना, इसको लीनियर डिफाइंड इक्वेशन कहते हैं, लीनियर डिफाइंड इक्वेशन। हमेशा याद रखिएगा, अगर इक्वल टू का साइन आता हो तो वो इक्वेशन होगी। इक्वल टू का साइन है ना, इक्वल टू का साइन, ये इक्वेशन है। यहाँ पे कंग्रुएंस का साइन है, ये इक्वेशन नहीं है, ये कंग्रुएंस रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट ये है कि अगर मैं ए बी सी के नाम ही है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, अगर मैं इनके थोड़े से नाम चेंज कर दूं, इनके अगर मैं थोड़े से नेम चेंज कर दूं, इसको ए कह दिया, इसको एक्स कह दिया, प्लस इसको मैंने कह दिया माइनस, कह देता हूँ माइनस, प्लस की जगह चले प्लस ही कर लेते हैं, प्लस एम और वाई की जगह माइनस वाई कर लें, ठीक है ना। वाई भी एक इंटीजर है, माइनस वाई भी कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो माइनस वाई भी कोई ना कोई इंटीजर है, और इस इक्वल टू मैंने बी कह दिया, ठीक है। अब देखिएगा, नाम ही चेंज किए हैं बस, कोई आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब ये देखें, अब यहां तक आ गया। अब ये चीज जो है, ये भी हमारे पास लीनियर डिफाइंड इक्वेशन है। क्या है? लीनियर डिफाइंड इक्वेशन। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक्स और वाई की उसी वक्त वैल्यूज निकल के आएंगी जब ए और बी की जीसीडी सी को डिवाइड करें, यानी इस इसकी जीसीडी इसको डिवाइड करें। यहाँ पे ए और एम की जीसीडी, ए और एम की जो जीसीडी है, इसको हम डी से ज़ाहिर करेंगे, इसको भी डी से ज़ाहिर करेंगे, ये डिवाइड करें इक्वल टू के दूसरी तरफ, यानी के सी बी को, ठीक है। बात की समझ आई? नाम ही चेंज किए हैं, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। ए एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू सी, इन दोनों की जीसीडी इसको डिवाइड करें। ए एक्स प्लस एम माइनस वाई इक्वल टू बी, इन दोनों की जीसीडी इसको डिवाइड करें, ठीक है। और ए और एम एक ही वक्त में दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर ये इस तरह होगा उसी वक्त हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर इस तरह होगा उसी वक्त हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये कंडीशन मैंने क्यों आपको बताई, अब देखिएगा, ये हमारे पास लीनियर कंग्रुएंस है ना, लीनियर कंग्रुएंस। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। अब देखिएगा, अगर ए इज कंग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम हो, ठीक है ना, अगर ये चीज है तो हम लिखते हैं एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, ठीक है ना, एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, बिल्कुल यही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एम की जगह ये लिखा हुआ है, एम लिख दिया, एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को, ए ये है माइनस बी ये, इसी तरह एम डिवाइड करेगा ए एक्स माइनस बी को, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसके आगे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है अगर ए डिवाइड करता है बी को तो इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, इंटीजर कोई भी हो सकता है, हम के का नाम दे देते हैं यहाँ पे, कोई सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, के का नाम दे दे, कोई नाम दे दे। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे और हम लिखेंगे कि a माइनस ए एक्स माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर जिसको मैंने अपनी मर्जी से y का नाम दे दिया, ठीक है। आप चाहें तो y का भी नाम दे दें, आप चाहें माइनस y भी कह सकते हैं, कोई इंटीजर या जौन सा मर्जी के। तो आप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए y कह दिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब ax का ax वैसे ही रहा, इस अंकल को उठा के हम इधर ले आए, ये आ गया माइनस एम वाई, और इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए तो ये हो गया प्लस b, ठीक है। अब देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं ax और
प्लस एम और मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई इज इक्वल टू बी। अब देखें ये चीज और ये चीज सेम एक जैसी है, यानी कि हमें पता चला कि लिनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन और लिनियर कंग्रुएंस और लिनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई रिश्ता है, आपस में ये चीज़ें कनेक्ट हैं। एक ही कंसेप्ट है जो बार बार हम लेके घूम ही जाते हैं, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से ही कंग्रुएंस आ गई, कंग्रुएंस से ही लिनियर कंग्रुएंस, पॉलिनोमियल कंग्रुएंस, मुख्तलिफ चीज़ें। मेन चीज़ डिविजिबिलिटी है, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें एक जैसी बन गई, अब इस चीज़ का सल्यूशन उसी वक़्त एग्जिस्ट करेगा, इस चीज़ का सल्यूशन उसी वक़्त एग्जिस्ट करेगा जब ए और एम की जी सी डी, यानी ए और एम की जी सी डी, अगर इसको मैं डी का नाम दूँ, ये डी डिवाइड करेगा बी को, ठीक है। अब देखिए बात सुने इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसके मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए, उसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन हमें इस चीज़ को सोल्व करना था, इसमें हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी थी। हमारे पास a की वैल्यू भी दी होती है, b की भी दी होती है, m की भी गिवन होती है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इसको x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम कहेंगे कि ले जी हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हम कहेंगे इसको हमने सोल्व कर दिया। अब देखें ए एक्स प्लस एम माइनस वाई इज इक्वल टू बी, इसका सोल्यूशन यानी कि इस चीज़ का सोल्यूशन, इसी को सॉल्व करके ये चीज़ बनी ना, यानी कि इसका सोल्यूशन उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा अगर और सिर्फ अगर ए और एम की जी सी डी, यानी कि डी की जी डी जो है वो बी को डिवाइड करे, यानी कि ए और एम की जी सी डी इस नंबर को अगर डिवाइड करेगी उसी वक्त इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उसी वक्त एक्स की वैल्यूज आएंगी जो हम फाइंड करेंगे। अब एक और बात, ये हमारे पास थ्योरम है जिसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, ये थ्योरम है। अब एक और बात ये है कि जितना हमारे पास जीसीडी का आंसर आता है, उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट रिलेशंस आते हैं हमारे पास, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आते हैं। जितनी हमारे पास डी की वैल्यू आई, अगर फर्ज किया कि डी की वैल्यू आई 5, ठीक है, डी की वैल्यू आई 5, एम से छोटी छोटी एक्स की 5 वैल्यूज होंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी। दोबारा गौर से सुनिएगा, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है ना, हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ए और एम की जीसीडी अगर बी को डिवाइड करती हो, हम उसी वक्त एक्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फर्ज किया कि ए और एम की जी सी डी आ गई 5 आ गई, तो वहां पे 5 ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी एम से छोटी छोटी 5 ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जो एक्स की जगह पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कंग्रुएंट आ जाएगी, यानी कि ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जी सी डी 5 आई है लेकिन एक्स की 6 वैल्यूज आ रही हैं एम से छोटी के वो पुट करें तो ये इसके कम, जितना जी सी डी उतनी ही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब एक और मज़े की बात, एम जो हमारे पास होता है जिसको यहाँ पे डिवाइजर कहा जाता है, यानी कि डिवाइड करने वाला, तो डिवाइजर हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना, ये आप हमेशा याद रख लें। यानी कि आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ए और एम की जी सी डी लेंगे, जितना भी आंसर आएगा, ठीक है, जितना भी आंसर 5 आंसर आया, तो 0 से लेके एम के दरमियान 5 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आप इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको जरा सा आप नोट कर लें, तो इसका ना थ्योरम भी आ जाते हैं, इसका कन्वर्स भी आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक और बात, चलें जी यहाँ पे बात बता देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमें कम से कम एक सोल्यूशन का पता चल जाए, यानी कि हजारों लाखों वैल्यूज हो सकती है एक्स वाई की, ठीक है ना, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, अगर हमें एक एक सोल्यूशन का पता चल जाए
इससे हम बाकी तमाम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी और वाई इज इक्वल टू वाई नॉट माइनस ए ओवर डी टी। ठीक है, डी हमारे पास जिस डी है। अगर हमें कोई एक एक वैल्यू ऐसी मिल जाए एक्स और वाई की कि जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी कि कोई एक सोल्यूशन मिल जाए, तो उसकी मदद से हम बाकी सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे बात करें, अगर हमें कोई एक सोल्यूशन मिल जाए जिसको हमने एक्स नॉट कह दिया, ठीक है ना, एक्स नॉट और वाई नॉट कह दिया, ठीक है ना, कोई एक सोल्यूशन मिल जाए तो हम एक्स और वाई की तमाम वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स डैश किसके इक्वल होगा, एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी टी। यहाँ पे बी ये था, यहाँ पे बी हमारे पास माइनस एम होगा, ठीक है ना, ये माइनस इसके साथ, तो माइनस नहीं है, वाई के साथ है माइनस, तो एम बटा डी और साथ आ गया टी। और वाई डैश की वैल्यू का क्या आएगी, वाई नॉट माइनस ए ओवर डी, माइनस ए ओवर डी, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस ए ओवर डी टी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रही है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन था, तो एक मिनट हम देख लेते हैं कि वाई नॉट प्लस ए ओवर डी टी, ए ओवर डी टी प्लस ए ओवर डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा एम ओवर डी टी, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। वो कैसे आया, तो एक्स के साथ जो है, तो एक्स के साथ तो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखें कि आप इस तरह करें कि माइनस ए ओवर डी टी, अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला सोल्यूशन वैसे ही रहेगा। यानी कि आप यहाँ पे, अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे हम माइनस बी कर देंगे, ठीक है। और बात सुने कि अगर एम जी सी डी डिवाइड करेगी बी को, माइनस बी को, तो लाजमी बी को भी डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव और ये आ जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब देखिएगा, ठीक है ना, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन भी आ गया। ये हमारा एक थ्योरम है, ठीक है ना, ये हमारा एक थ्योरम है जिसको हम बाद में प्रूफ करेंगे, इसका कन्वर्स भी आ जाता है। तो फिलहाल हम एक लीनियर कंग्रुएंस उठाते हैं और उसको सोल्व करते हैं और मुख्तलिफ तरीके देखते हैं उस एक लीनियर कंग्रुएंस को सोल्व करने के, ठीक है। चलें जी, इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम देखते हैं, किसको देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो बाकी एडवाइस करवाने वाले तो बात कोई नहीं, क्योंकि जहाँ से आपको समझ नहीं आती होगी तो आप वीडियो पीछे करके देख लेते होंगे। चलिए जी, अब हम कोई एक लीनियर कंग्रुएंस लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि 3x is congruent to 5 modulo 11। तो टाइम कम रहता है तो हम कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो यही ठीक है, बाकी क्वेश्चन सोल्व करने पे अगर एक और लेक्चर करना हो तो वो एक और करना। अब देखें, सबसे पहले हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ मैथड्स हैं सोल्व करेंगे, देख ही जाइएगा बस आप और समझ ही जाइएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देने के बाद हम, आपको पता है कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं एम डिवाइड करता है 3x माइनस 5 को, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू।
फिर हम लिखेंगे 3x-5 = 11 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, हम y का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब देखिएगा 3x ये इधर आके -11y और ये उधर जाके पॉजिटिव का 5 हो गया। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। बस अब देखिए अब कैसे के y वाली चीज़ को ख़त्म करना है, तो हमने ये इक्वेशन थी तो इक्वेशन को हम कंग्रुएंस रिलेशन में ले आए, यानी कि इसके साथ ये लगा दिया और हमने मोड 11 ले लिया, मोड 11। ठीक है। तो ये तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी, ये दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, लाइट ऑफ हो गई है। अब देखें क्या करेंगे हम, इस 3 और 11 की जीसीडी फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या वो 5 को डिवाइड करती है कि नहीं। यानी कि जैसे हमने लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को सोल्व किया था, बिल्कुल उसी तरह हम सोल्व करेंगे। फ्लैश कहाँ से, अब देखिएगा ज़रा सा गौर करिएगा, ax + by = c था और a और b की जीसीडी जिसको हमने d कहा था, अगर ये c को डिवाइड करती है तो इस वक्त हमारे पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह अगर 3 और 11 की जीसीडी 5 को डिवाइड करेगी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और 3 और 11 की जीसीडी हमारे पास क्या है, इसको हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, -11 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया। ठीक है ना। 3 और -11 की जीसीडी फाइंड करनी है, ए और बी की जगह ये लिखा हुआ है, 3 × 4 = 12, -4 से -12 अलामत चेंज होकर +1 आ गया। ठीक है, +1 आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखें इस 3 को अंदर रखा, इस 3 को अंदर रखा और 1 × 3 = 3, आंसर आ गया 0। जब 0 आंसर आया, 1 से डिवाइड करवाया था, इसका मतलब जीसीडी हमारे पास 1 है। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे, -11 = 3 × -4 + 1। ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 3 = 1 को मल्टीप्लाई करवाया 3 के साथ। ठीक है। अब देखिएगा ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब यहाँ से हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कम्बिनेशन क्या आएगा, ये 1 हमारे पास जीसीडी आया ना, यानी कि जीसीडी हमारे पास आया 3 और -11 का जीसीडी 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे, ये जीसीडी था तो 1 = -11 और ये इस चीज़ को उस तरफ लेंगे तो ये -3 × -4 आ गया और ये 1 = -11 और ये -± हो गया, 3 × 4 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, तो मैं इसको लिखने लगा हूँ -11 + 3 × 4 = 1। ठीक है। अब देखिएगा अब दरअसल ये देखें कि 11 का मोड है ना, तो यहाँ पे हम 11 का मोड, ठीक है ना, 11 का मोड है तो दोनों तरफ, तो ये इक्वल टू का साइन है, इसको मैं कंग्रुएंस बना दूंगा क्योंकि मैंने मोड 11 का ले लिया है। ठीक है। तो 11 का मोड लेने से पहले एक और काम कर लेते हैं, हमें 5 चाहिए था, 5 चाहिए था ना, यहाँ पे 1 है तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 × 5 और +3 × 4 को भी 5 से तरफ दी, 20 = 5 × 5। अब हम 11 का मोड लेंगे दोनों तरफ तो -11 × 5 + 3 × 20 = 5 और मोड हमने ले लिया 11 का और यहाँ पे ये कंग्रुएंस रिलेशन बन गया। अब कंग्रुएंस रिलेशन बना, इस चीज़ को जब अंदर रख के 11 से डिवाइड करवाएंगे तो रेजिड्यू या रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये हमारे पास 20 को अंदर रख के 11 में तकसीम किया, 20 को अंदर रख के 11 × 11 = 11, बाकी बचा 9, तो 3 × 9 इस कंग्रुएंट टू 5 modulo 11। इसको यहाँ पे लिख दिया, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आई 9, x = 9। ठीक है। तो जीसीडी हमारे पास 1 आई थी, इसलिए इसके इनकॉन्ग्रुएंट रिलेशन भी सिर्फ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन भी सिर्फ एक वैल्यू ही होगी 9। अगर आप यहाँ पे 9 पुट करके देखें, अब 9 × 3 = 27 और 27 इज कंग्रुएंट टू 5 modulo 11। इसका मतलब है कि जब आप 27 को अंदर रख के 11 पे तकसीम करेंगे, 11 × 2 = 22, तो बाकी बचने वाली चीज़ 5 होगी, यानी कि हमारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल ठीक आई है। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह।